अस्सलाम वालेकुम जी साहब दवाम वेलकम मेरे चैनल पे। रोमानी और बुल्गारिया की शिंगन एंट्री उत्ते बहुत पुरजोर खबर ने है कि हर बंदा ही जानना चाह रहा है कि क्या वाकई मुल्क शिंगन च शामिल होणगे कि नहीं होणगे, होणगे तो कदों होणगे। तो मैं भी गाहे बगाहे जो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तो मैं उस उत्ते शार्ची वीडियो बनाता रहना ताकि मेरे जो सुनने वाले ने उन्होंने वो इस तो आगाही रखना है, उन्होंने पता लगता रहे कि एक्चुअली चल रहा है। तो कई बंदे फिर कमेंट सवालात करते हैं कि क्या सानू रोमानिया आना चाहिए है, अगर जेडे आ रहे हैं वो पूछते हैं कि क्या अगू मुस्तकबिल रोमानिया के वीज़े लभना औखा हो जाएगा, इस बारे थोड़ी की राय वे आना या नहीं आना, या तो हर बंदे का जाती है परसनल है तो वो बेहतर फैसला कर सकता कि आना कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जहरी बात है रोमानिया एक यूरोपीय यूनियन का बहुत ही इंपोर्टेंट कंट्री है और जिदा मुस्तकबिल रोशन है और आने वाले दिनों ये शिंगन चांसिस भी दिन ब दिन बढ़ी जा रहे हैं। और कल अगर तुम रोमानिश नैशनैलिटी हासिल कर लेंगे हो तो भी बहुत ज़्यादा फायदे ने कि तुम पूरे यूरोप किसी भी कंट्री जाकर रह सकते हो, काम कर सकते हो, उसके बेनीफिट्स क्लेम कर सकते हो। इस अलावा जो मेन इंपोर्टेंट चीज़ है कि क्या रोमानिया का वीज़ा आने वाले वक्त औखा हो जाएगा, कि सौखा तो हूँ भी नहीं लगता पाया, हूँ भी जो लोग लै रहे हैं औखे होकर लै रहे हैं, यानी कि रोमानिया के वीज़ा का टफ ही सिस्टम है। लेकिन एवे कि जहरी गल है कि अगर रोमानिया कल में शिंगन के शामिल हो जाता तो जो बंदे ऑलरेडी यूरोप रोमानिया रह रहे हैं उन्होंने लाटरी निकल आएगी और आने वाले बंद नवे वास्ते जहरी बात है बहुत टफ कंपीटिशन हो जाएगा वीज़े का, और रोमानिया का वीज़ा भी हासिल करना बिल्कुल इस तरह ही हो जाएगा जिस बाकी शिंगन कंट्रीज का वीज़ा हासिल करना है। फिर रोमानिश एम्बेसी भी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रख देगी क्योंकि रोमानिया का मतलब होगा कि रोमानिया तुम एंटर हो तो मतलब जर्मन जा सकते हो, सारे किरे घूम सकते हो, फिर जहरी बात इन्हें वैल्यू भी बढ़ जाएगी और वीज़ा रिक्वायरमेंट भी टफ हो जाएगियाँ आने वाले मुस्तकबिल है। इस गले जो लोग प्लान कर रहे हैं हर बंदा सोच समझ के प्लान करे, लेकिन मैं सिर्फ इस करी दे जवाब देना चाह रहा कि अगर रोमानिया शिंगन च आ जाता है तो बिल्कुल बहुत टफ रिक्वायरमेंट हो जाएगी बाकी शिंगन की निस्बत, और रोमानिया आना अगर किसी का बस चले तो जरूर आना चाहिए, जो जो सारे मुल्कों के हालात ने उत्थे भी टफ ही हालात ने, उत्थे सौखा काम कोई नहीं है, तो जरूर आओ आके पैसे कमाओ। अगर कोई बंदा लीगली आना चाहता है आवे रोमानिया च रवे आने वाले एक दो साल दे विच बड़े दे रोशन ब्राइट चांसेस ने कि शिंगन च शामिल हो जाएगा, और उस तो बाद रोमानिया के कार की वैल्यू भी सेम इटली का कार की या स्पेन के कार की होएगी और कल नूं उत्थे दा भी परमानेंट कार्ड जो किसी भी यूरोपियन यूनियन से चेंज हो जाएगा। बाकी जिते भी रहो जीवन वास्ते रहो आबाद रहो, खुदा साहब का हामी नासर रहे, अल्लाह हाफिज़।